हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन किंगडम फनजाई किंगडम फनजाई के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं तो पहले भी पढ़ चुके हैं अपन उनमें असेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होते हैं यानी दोनों ही तरह से वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं असेक्शुअली भी कर सकते हैं एंड सेक्शुअली भी कर सकते हैं डिफरेंस क्या होता है असेक्शुअल एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में असेक्शुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करता है और जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो क्लोन्स होते हैं यानी आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे के भी और अपने पेरेंट के भी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं और जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं उनमें फिर मिक्स्ड कैरेक्टर्स आते हैं दोनों ही पेरेंट्स के और वो दोनों से ही सिमिलैरिटीज़ भी रखते हैं और डिसिमिलैरिटीज भी रखते हैं रिप्रोडक्शन फंजाई रिप्रोड्यूस बाय अक्शुअल एंड सेक्शुअल मीन्स दोनों ही मीन्स रिप्रोड्यूस करते हैं फंजाई फर्स्ट अ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इट इज मोस्टली बाय बडिंग फिजन, फ्रैगमेंटेशन और फॉर्मेशन ऑफ अ सेक्शुअल स्पोर्ट्स अब असेक्शुअल रिप्रोडक्शन के कितने मेथड्स हो सकते हैं मोस्टली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं ऐसे इस इनके अलावा भी बहुत से मेथड्स होते हैं इंपॉर्टेंट मेथड्स कौन से हैं बडिंग फिजन, फ्रेगमेंटेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ अ स्पोर्ट्स नाओ बडिंग फर्स्ट इन दिस वन और मोर आउट ग्रोथ आर प्रोड्यूस्ड ऑन पेरेंटल बॉडी विच इनिशियली remain attached टू the parental बॉडी एंड लेटर गेट सेपरेटेड अब क्या होगा इसके अंदर बदिंग के प्रोसेस में पहले भी आया हुआ है एक आउट ग्रोथ प्रोड्यूस होती है पेरेंटल बॉडी पर जो ग्रो करती जाती है और इनिशियली यानी स्टार्टिंग के टाइम पर तो वो अपने पेरेंट से ही अटैच रहती है बाद में वो डिटैच हो जाती है अलग हो जाती है ग्रो कर जाती है और न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म कर लेती है अब ये प्रोसेस किस में होता है फंजाई अलग अलग टाइप के होते हैं मेनली मल्टी होते हैं ये वाला जो बडिंग का प्रोसेस है फिर वो यीस्ट में होगा जो सिंगल सेल यूनि सेलूलर जो फनजाई है यीस्ट ये शो करता है बडिंग इसकी एक सिंगल सेल है सिंगल सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा जिसमें जेनेटिक मटेरियल होगा अब पहले तो न्यूक्लियस डिवाइड होगा और टू न्यूक्लियर प्रोड्यूस करेगा इनमें से एक न्यूक्लियर जो आउटग्रोथ प्रोड्यूस हुई उसमें चला जाएगा और दूसरा वाला पैंडल बॉडी के अंदर ही रहेगा अब ये पूरी तरह से अलग हो जाएगी यहाँ से सेपरेट हो जाएगी डॉटर्स या जो बर्ड है अब इसको क्या कहेंगे बर्ड जो आउटग्रोथ सेपरेट हो गई पेंटल बॉडी से उसको कहेंगे बर्ड एक न्यूक्लियस इसमें चला जाएगा एक न्यूक्लियस पैरेंटल बॉडी में रहेगा अब ये बर्ड निश्चित टाइम पे अटैच रह सकती है इससे और फिर ये खुद एक और बर्ड प्रोड्यूस कर सकती है इससे चेन ऑफ बर्ड्स प्रोड्यूस हो सकती है या फिर ये इससे सेपरेट हो सकती है और अलग इंडिविजुअली अपना लाइफ साइकिल पूरा कर सकती है तो फर्स्ट था बडिंग बडिंग हो रहा है ईस्ट में यूनिसेल्युलर बन जाएंगे नाउ सेकेंड फिजन इन दिस प्रोसेस अ सिंगल सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू डॉटर सेल्स अब इसमें क्या होगा एक सिंगल सेल जो होगी वो डिवाइड होगी और उससे टू डॉटर सेल्स बन जाएंगी अब ये भी इसमें सिर्फ एक ही सेल पार्टिसिपेट करती है इसलिए फिजन का जो प्रोसेस है ये सिर्फ यूनियन ऑर्गेनिज्म में होता है पहले भी आया है बैक्टीरिया में हुआ ही है ये बैक्टीरिया के अंदर बाइनरी फिजन प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया भी सिंगल सेल होते हैं इसलिए वो फिजन शो करते हैं तो जो फंजाई फिशन शो करेंगे वो भी होंगे सिंगल सेल यानी यूनी सेल्यूलर तो ये भी ही शो करते हैं याद फंजाई शो नहीं करते फिशन का प्रोसेस इस प्रोसेस में एक सिंगल सेल डिवाइड हो जाती है टू डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करने के लिए फॉर्म करने के लिए एक सेल डिवाइड हो जाएगी इससे टू सेल्स प्रोड्यूस होंगी ये टू सेल्स पर दोबारा बिल्कुल अलग हो जाएंगे टू डॉटर सेल्स प्रोड्यूस कर देंगी इसका न्यूक्लियस भी डिवाइड हो जाएगा न्यूक्लियस डिवाइड होकर टू न्यूक्लियर बना लेगा जिसमें से एक एक सेल में जाएगा दूसरा दूसरे सेल में जाएगा और ये सेपरेट से जो दोनों सेल्स हैं इनिशियली जो अटैच हैं डिवाइड हो रही हैं अभी डिवाइडिंग है ये प्रोसेस चल रहा है इसके बाद जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो ये दोनों डिवाइड हो जाएंगी विच आर आइडेंटिकल टू ईच अदर अभी ये भी कैसे होंगी आइडेंटिकल होगी एक दूसरे से एंड टू देर पेरेंट और इनके जो पेरेंट था उसकी भी आइडेंटिकल होगी यानी सेम वे ही होगी एग्जैक्टली सेम होगी एग्जाम्पल समस्ट अब मेनली मेनलीस्ट में कौन सा प्रोसेस होता है बडिंग का प्रोसेस होता है बट सम समीस्ट जो है स्पीशीज इनकी कुछ स्पीशीज में लाइक इसके अंदर प्रेजेंट होता है फिजन का प्रोसेस तो फर्स्ट वेडिंग सेकंड फिजन नेक्स्ट फ्रेगमेंटेशन इन दिस प्रोसेस द हाइफी डिवाइड्स इनटू तो सिंगल सेल्स दैट आर कॉल्ड द ओइडिया और आर्थ्रो स्पोर्ट अब इसके अंदर क्या होगा जो हाइफी है जो वुड की या किसी भी ऑर्गन ऑर्गेनिक मटीरियल की अंदर जो पार्ट रहता है फंजाई का फिलामेंटस जो पार्ट होता है दैट इज़ हाइफी हाइफी क्या करेगा अभी मान लो एक सिंगल हाइफी है ये डिवाइड हो जाएगा और सेल्स प्रोड्यूस करेगा सिंगल सेल्स यहाँ से डिवाइड हो गया और एक सेल बन गई फिर यहाँ से डिवाइड हो गया सेकेंड सेल बन गई यहाँ से डिवाइड हो गया थर्ड सेल बन गई ऐसे ये डिवाइड हो कि इसके फ्रेगमेंट्स होते जाते हैं तो टुकड़े होते जाते हैं और ये सेल्स प्रोड्यूस करता जाता है ये फिर से सेपरेट हो जाएगी अलग हो जाएगी ये सेल अलग हो जाएगी जैसे ये एक फिलामेंट है यहाँ से ये यह डिटैच हो गई तो एक सेल अलग हो गई फिर यहाँ से सेकेंड सेल अलग हो गई इससे सेल्स अलग अलग होती जाती हैं फ्रेगमेंट्स बनते जाते हैं एक फिलामेंट कि हाई पी की अब ये जो सेल्स बनी इनको कहेंगे ओइडिया और आर्थ्रो कुछ भी कह सकते हैं ओइडिया भी कह सकते हैं और आर्थ्रो भी कह सकते हैं फिर ये जमरेट हो जाएंगे और ये न्यू हाइफी पे प्रोड्यूस कर देंगे ये जो स्पोर्स हैं आर्थ्रो मेन स्पोर्स जो होते हैं वैसे नहीं होते ये बस सिमिलैरिटी रखते हैं इसलिए इनको कह देते हैं आर्थ्रो क्योंकि सिंगल सेल्ड ही होते हैं ये भी फिर ये जमिनेटर जाएंगे वो पूरा हाइफी और फिर हाइफी का नेटवर्क प्रोड्यूस कर देंगे माइसीलियम हाइफी और माइसिलियम को प्रोड्यूस कर देंगे एग्जाम्पल किस में होता है ये प्रेजेंट तो जो मल्टी सेलुलर फंजाई होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है हाइफी मल्टी सेलुलर फंजाई में ही होते हैं यीस्ट में हाइफी नहीं होते यीस्ट में सिंगल सेल ही होती है बस इसके अंदर होगा गया एग्जाम्पल इसका द मिल्क मॉट पंजाई जो कहाँ पे जो रोटन मिल्क है या मिल्क खराब हो गया उस पर जो ग्रो कर जाता है वाइट कलर का पंजाई दैट इज़ मिल्क मॉल्ट इसका साइंटिफिक नेम है एंडोमाइसिस लेक्टिस नाउ नाओ समटाइम्स द फ्रेगमेंटेड सेल्स गेट सराउंडेड बाई अ थिक वॉल अब नॉर्मली इनकी जो वॉल होती है वो थिक नहीं होती ज़्यादा थिक नहीं होती होती तो है प्रेजेंट होती है बट थिक नहीं होती कभी कभी इस पर थिक वॉल बन जाती है जो एक सेल सेपरेट हुई इससे इस सेल पर एक थिक वॉल प्रोड्यूस हो जाती है दिस सेल्स आर देन कॉल्ड क्लेमाइडोस्पोर्स अब इनको क्या कहेंगे इन सेल्स को क्लेमाइडोस्पोर्स कहते हैं नॉर्मली क्या होगा हाइफी के एंड से एक सेल डिटैच हो जाएगी अलग हो जाएगी वो सेल पर जर्मिनेट हो जाएगी और हाइफी प्रोड्यूस करेगी और हाइफी का पूरा नेटवर्क बन जाएगा फिर बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रो करेगा वो माइसीडियम प्रोड्यूस हो जाएगा वो माइसिरी में क्या है फन जाए पर कभी कभी जो सिंगल सेल प्रोड्यूस होगी इस पर हो हो एक थिक वॉल होगी ये सराउंडेड होगी एक थिक वॉल से इसलिए इसको क्या कहेंगे फिर क्लेमाइडो स्पोर ये क्लेमाइडो स्पोर क्लेमाइडो स्पोर भी क्या करेगा फिर जर्मिनेट हो जाएगा और हाइफी दैन माइसिलियम को प्रोड्यूस कर देगा नाउ फोर्थ स्पोर फॉर्मेशन स्पोर फॉर्मेशन में क्या होगा वेरियस फंजाई फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स विच जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेज आप स्पोर प्रोड्यूस करेंगे स्पोर्स होती हैं सिंगल सैल्ड स्ट्रक्चर्स जिन पे वॉल प्रेजेंट होती है थिक वॉल प्रेजेंट होती है और वो जर्मिनेट होगी पर न्यू ऑर्गेनिज्म को न्यू फंजाई को प्रोड्यूस करते हैं अब अलग अलग तरह के जो फंजाय होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स की स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं जो जर्मिनेशन के बाद में न्यू ऑर्गेनिज्म यानी न्यू फनजाई को न्यू हाइफी को न्यू माइसिलियम को प्रोड्यूस करते हैं कितने टाइप के हो सकते हैं जो स्पोर्स हैं मेनली टू टाइप्स के स्पोर्स हो सकते हैं कॉनिडियो स्पोर्ट्स और स्पोरेंजियो स्पोर्ट्स कॉनिडियो स्पोर्ट्स को कहते हैं कॉमनली कॉनिडिया टू टाइप्स के मेन बेसिक जो स्पोर्स होते हैं टू टाइप्स के होते हैं डिफरेंस क्या होता है कॉनिडियो स्पोर्ट्स में ये बनते हैं इनकी ये जो माइसिलियम ये हाइफी है हाइफी से एक वर्टिकल ब्रांच निकलेगी ऊपर ये तो है नीचे की तरफ ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर इससे वर्टिकल ब्रांच निकलेगी फिर उससे जो ब्रांचेस निकलेंगी उनके जो एंड होंगे एंड से बर्डिंग के प्रोसेस के थ्रू क्या बन जाएंगे स्पोर्स बन जाएंगे कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं बनी जिसके अंदर स्पोर बने बस जो ब्रांच है उसी से बडिंग के प्रोसेस के थ्रू एक रो बन गई स्पोर्स की तो ये स्पोर्स प्रोड्यूस हो गए अगर ऐसे स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं बिना स्पेशल स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन के डायरेक्टली जो ब्रांच है उसी से स्पोर्स उनके एंड्स पर बन गए देन दिस दिस स्पोर्स विल बी कॉल्ड कॉनिडिया इनको कहेंगे कॉनेडिया और अगर क्या हो स्पेशल स्ट्रक्चर बने पहले जो वर्टिकल ब्रांच बनी उस पर स्पेशल स्ट्रक्चर बन गई राउंड स्ट्रक्चर बन गई और इसके बाद इसके अंदर फिर स्पोर्स प्रोड्यूस हुए तब उन स्पोर्स को कहेंगे स्पोरेंजियो स्पोर्स सो कॉनेडियो स्पोर्स और कॉनिडिया दीज आर द स्पोर्ट्स देट आर बडेड ऑफ एट हाईफल एपिस हाईफल एपिस जो हाईफी है ये ब्रांचेज सारी हाईफी का ही पार्ट है हाईफी की जो एपिसज है यानी इनके जो एंड पॉइंट्स हैं अपर एंड पॉइंट्स इनसे बडेड ऑफ हो जाती हैं यानी बडिंग के प्रोसेस के थ्रू बन जाती हैं स्पोर्ट्स तब इनको कहें कॉन एडिया एग्जाम्पल किस किस्में होंगे ये पेनीसिलियम में एंड एच एसपरज में तो एसपरजुलस ये पेनीसिलियम का डाइग्राम इनकी जो हाईफी है इसकी ब्रांच यानी एपिसस इसका जो एंड पॉइंट है एपिस एपेक्स इससे क्या बन जाएंगी बर्टिंग के थ्रू स्पोर्स बन जाएंगे ना स्पॉरेंजियो स्पोर्ट्स रीज आर द स्पोर्स दैट आर दैट अराइज इन साइड स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजिया अभी किसके अंदर बनते हैं स्पेशल स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं स्पेशल स्ट्रक्चर बनेंगे जिनको कहेंगे स्पोरेंजियम इसका प्लूरल होगा स्पोरेंजिया और इसके अंदर बनेंगे फिर स्पोरेंजियो स्पोर्ट्स फिर ये क्या हो जाएगी रपच्चर हो जाएगी फट जाएगी और इससे स्पोर्स पर बाहर आ जाएंगे और स्पोर्स जमिनेट हो जाएंगे और न्यू माइसिलियम को प्रोड्यूस करेंगे इन लोअर फंजाई स्पोरेंजियो स्पोर्स मे पजेस फ्लैजिला अब कभी कभी क्या होता है जो लोअर फंजाई है यानी जो लेस कॉम्प्लेक्स हैं उनका बॉडी स्ट्रक्चर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है लोअर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी उन में क्या होता है जो स्पोरेंजियो स्पोर्स होते हैं जो स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस हुए मे पजेस फ्लैजिला उनमें क्या प्रेजेंट हो सकती है फ्लैजिला यानी जो स्पोर प्रोड्यूस हुए स्पोरेंजियो स्पोरेंजियम है इसके अंदर स्पोर प्रोड्यूस हुए इन पर क्या प्रेजेंट होगा हेयर लाइक फिलाेंटल्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जिसको कहेंगे फ्लैजुला हैंस दे आर मोटाइल अब इसका मीनिंग क्या है कि ये कैसे होंगे फिर मोटाइल होंगे अगर मान लो ये वाटर के अंदर रिलीज हो जाए तो वाटर के अंदर ये मूव कर पाएंगे किसकी हेल्प से इस फ्लैजुला की हेल्प से एंड आर कॉल्ड जू स्पोर्ट्स अब मूव कर सकते हैं तो मूवमेंट किसका फीचर है एनिमल्स का फीचर है प्लांट्स का फीचर नहीं है इसलिए इसको क्या कहेंगे इस स्पोर्ट्स को क्या कहेंगे जू स्पोर्ट्स जू किसके लिए है एनिमल्स के लिए यानी एनिमल लाइक होते हैं ये मूव कर सकते हैं इनमें फ्लैजुला प्रेजेंट होती है नाउ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आप असेक्शुअल रिप्रोडक्शन के मैदर्ड्स पढ़िए सारे असेक्शुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर्स बनते होते हैं असेक्शुअल स्पोर्स कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं कॉनेडिया हो सकते हैं और इस पर एन हो सकते हैं जो जर्मिनेट होकर क्या बनाएंगे माइ सीलियम बनाएंगे आप सेक्शुलशन में भी स्पोर्ट्स बनते हैं एट दी एंड ऑफ द प्रोसेस जिनको कहते हैं फिर सेक्शुअल स्पोर्ट्स वो भी जर्मिनेट होते हैं एंड में और क्या प्रोड्यूस करते हैं माई को प्रोड्यूस करते हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स थ्री स्टेजेस इन फंजाई क्या होती है इसके अंदर थ्री स्टेजेस होती हैं फर्स्ट प्लाज्मोगेमी आइस प्लाज्मोगेमी कैरियोगेमी एंड मियोसिस कितनी स्टेजेस होंगी इसके अंदर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के अंदर थ्री स्टेजेस होंगी थ्री स्टेजेस में पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा फर्स्ट होगी प्लाज्मोगेमी देन कैरियोगेमी एंड देन मीओसिस अब तो इसके अंदर क्या होगा पूरा प्रोसेस फर्स्ट तो क्या होगा जो जो हाइफी है हाइफी गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा गैमेट्स गयामि गैमेट्स क्या होते हैं स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जो फ्यूज़ हो जाते हैं आपस में और फिर जायगोल प्रोड्यूस करते हैं सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में बेसिक यही होता है तो हाइफी जो है वो टू वो सेल्स प्रोड्यूस करेगा अब एक हाइफी है उसने सेल्स प्रोड्यूस कर दी और कोई दूसरा फनजाइए जिसका हाइफी है उसने भी वो सैज प्रोड्यूस कर दी यानी क्या प्रोड्यूस हो गए गैमेट्स प्रोड्यूस हो गए अब जो फंजाई होते हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं हैपलेट होते हैं इसमें सेट्स ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है एक सिंगल सेट होता है जैसे ह्यूमंस में कितने सेट्स होते हैं टू सेट्स होते हैं क्रोमोसोम्स के फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम होते हैं जिनमें से ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री के टू सेट्स होते हैं टू सेट्स हैं यानी ह्यूमंस कैसे हैं डिप्लोइड हैं टू एंस वो कैसे करते हैं इनको ह्यूमंस को टू से यानी डिप्लोइड हैं ये टू सेट्स हैं अब जो मोस्टली ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे होते हैं डिप्लोइड ही होते हैं यानी उनमें नंबर ऑफ सेट्स कितने होते हैं टू होते हैं जैसे ड्रोसोफिला है या मैंगो है या कोई भी एनिमल है कोई भी प्लांट है सब मोस्टली कैसे होते हैं डिप्लोइड ही होते हैं पर जो फंजाय होते हैं वो मोस्टली यानी जो माइसिलियम है या हाईफी है वो कैसा होगा हैप्लोइड होगा यानी नंबर ऑफ़ सेट उसमें सिंगल होगा और उसको कैसे डिनोट करेंगे फिर एन से डिनोट करेंगे सिंगल एन तो हाइफी है एक ऑर्गेनिज्म का हाइफी है एन उसने गैमेट प्रोड्यूस करा दूसरे ऑर्गेनिज्म का हाइफी है एन यानी हैप्लोइड है उसने भी गैमेट प्रोड्यूस करा तो ये गैमेट भी कैसे होंगे हैप्लोइड होंगे अब पहले फर्स्ट स्टेज क्या है प्लाज्मो यानी प्लाज्मो में क्या होगा गैमेट्स का जो साइटोप्लाज्म है वो फ्यूज़ हो जाएगा तो ये गैमेट इसके अंदर न्यूक्लियस है न्यूक्लियस एन है। है, हैप्लोइड है अब फर्स्ट क्या होगा इनका जो साइटोप्लाज्म है वो फ्यूज़ हो जाएगा साइटोप्लाज्म तो फ्यूज़ हो गया दोनों का एक में आ गया पर ये न्यूक्लियस जो है ये अलग अलग ही रहे फर्स्ट स्टेज तो ये हो गई प्लाज्मोगेमी प्लाज्मोगेमी इज़ द फ्यूजन ऑफ साइड ऑफ टू हैप्लोइड गैमेट्स टू हैप्लोइड गैमेट्स का साइड फ्यूज फ्यूज़ हो गया और क्या बनी एक सिंगल सेल बनी जिसके अंदर टू न्यूक्लिया प्रेजेंट है ये पूरा प्रोसेस फ्यूजन का इसको कहेंगे प्लाज्मोगेमी अब ये न्यूक्लियस इसमें नॉर्मली तो क्या होता है नॉर्मल रिप्रोडक्शन के टाइम पर जब फ्यूजन होता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर तब ये न्यूक्लियस भी उसके थोड़े टाइम बाद ही फ्यूज़ हो जाते हैं और न्यूक्लियस भी सिंगल बन जाता है पर फंजाई में जस्ट आफ्टर द फ्यूजन न्यूक्लियर फ्यूज़ नहीं होते ये बहुत टाइम के बाद में होते हैं अब इस स्टेज में जब न्यूक्लियर फ्यूज़ नहीं है न्यूक्लियर तो सेपरेट ही यानी टू न्यूक्लियर प्रेजेंट हैं एक ही सेल के अंदर सिंगल सेल के अंदर तो इस सेल को कहते हैं डाइकेरियन ये सेल हो जाएगी डाइकेरियन जिसके अंदर टू न्यूक्लियर प्रेजेंट है और ये स्टेज इसकी लाइफ साइकिल की फंजाई की लाइफ साइकिल ये की ये जो स्टेज है जिसमें वो किसी स्टेट में है डाई केरियन स्टेट में इस स्टेज को कहेंगे डाई केरियोटिक स्टेज अब क्या होगा अब या तो ये जो डाई केरियन बना ये क्या बना लेगा फ्रूटिंग बॉडी फ्रूटिंग बॉडी पहले भी पड़ चुकी हाईफी के ऊपर एक जो हाई फी के ऊपर निकल जाती है जैसे मशरूम में होती है उसको क्या कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी ये क्या है फ्रूटिंग बॉडी ये जो सेल है डाइकेरियन ये डिवाइड होगी और क्या बना लेगी फ्रूटिंग बॉडी बना लेगी और उसके बाद न्यूक्लियर का फ्यूजन हो जाएगा या फिर हो सकता है थोड़े टाइम बाद न्यूक्लियर का, का फ्यूजन हो जाए और उसके बाद फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म हो कैसे भी हो सकता है अब न्यूक्लियर फॉर्म हो रहे हैं पहले फ्रूटिंग बॉडी फॉर्मेशन की या फिर बाद में फ्रूटिंग बॉडी फॉर्मेशन की अगर न्यूक्लियर फ्यूज़ हो रहे हैं तो उस प्रोसेस को कहेंगे फिर कैरियो गेमिंग तो न्यूक्लियस का फ्यूजन क्या होगा कैरियोगेमिंग न्यूक्लियस का फ्यूजन के बाद एक ही सेल के अंदर क्या जाएगा एक न्यूक्लियस आ जाएगा दोनों न्यूक्लिया फ्यूज़ हो गए और एक न्यूक्लियाई बना लिया तो एन थे इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट कितना था एन था इसमें भी एन था यहाँ पे भी एन है यहाँ पे भी एन है अब दोनों फ्यूज हो गए तो डबल हो गया क्रोमोसोम का नंबर टू सेट्स आ गए तो ये जो जायकोड बनेगा अब इस सेल को क्या कहेंगे जायकोड अब ये जो जायकोड बनेगा ये क्या होगा फिर टू होगा यानी डिप्लोइड होगा स्टार्टिंग में हाइफी हैप्लोइड था दूसरा जो हाइफी है टू पैरेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट का हाइफी है भी हैप्लोइड है, है दूसरे पेरेंट का हाइफी है भी हैप्लोइड है, है। दोनों ने हैप्लोइड गैमेट्स फॉर्म किए जिनमें प्लाज्मोगेमी हो गई इनका साइटोप्लाज्म फ्यूज हो गया यानी एक सेल के अंदर ही टीओ न्यूक्लियर आ गए जो कि हैप्लोइड थे इसको कहा आप अपने सेल को कहा डाइकेरियोन अब इसमें क्या हो जाएगा फ्यूजन हो जाएगा न्यूक्लियर का उस प्रोसेस को कहेंगे केरियोगेमी न्यूक्लिया का फ्यूजन फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियर कैरियोगेमी के बाद एक बने जो सेल बनेगी उसको कहेंगे जयकोड और ये सेल कैसी होगी फिर डिप्लोइड होगी इसमें नंबर ऑफ सेट्स कितने होंगे टू होंगे अब इसके बाद जाइकोड क्या प्रोड्यूस कर देगा स्पोर्स प्रोड्यूस कर देगा मीओसिस के ट्रू अब थर्ड चीज़ क्या होगी प्लाज्मा गेमी हुगी? हुगी हुगी? हो गई केरियो गेमी हो गई इसके बाद होगा मीओसिस मीओसिस क्या होता है मीओसिस में जो दो सेल्स प्रोड्यूस होती हैं ये जो साइकोट है जयकोड के फॉर्मेशन के बाद क्या होगा मियोसिस होगा मियोसिस से जो टू सेल्स प्रोड्यूस होंगी उसमें हाफ होगा मियोसिस का फीचर ही क्या होता है मियोसिस जो डिवीजन होता है उससे जो टू सेल्स प्रोड्यूस होती हैं उसमें नंबर ऑफ सेट्स कितने हो जाता है हाफ हो जाता है यानी टू सेट्स थे यहाँ पे तो जो टू सेल्स प्रोड्यूस हैं वो कैसे होंगी हैपलॉइड होंगी अब इनको क्या कहेंगे स्पोर्स ये स्पोर और ये स्पोर दोनों जो स्पोर्स प्रोड्यूस हुए ये दोनों ही क्या हो जाएंगे जर्मिनेट हो जाएंगे और न्यू हाइफी बना लेंगे अब इनसे जो हाइफी प्रोड्यूस होगी फिर वो क्या होगी एन होगी यानी हैपलोइड होगी हैप्लोइड से स्टार्ट हुआ था बीच में जाइको जो बना वो डिप्लोइड बना बस उसके बाद दोबारा से जो हाइफी बने प्रोड्यूस हुए एट दी एंड वो कैसे हुए हैप्रोइडी हुए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व थ्री स्टेजेस इन फंजाई कितनी स्टेजेस होंगे इसके अंदर थ्री स्टेजेस होंगी प्लाज्मोगेमी केरियोगेमी एंड मियोसिस प्लाज्मोगेमी इट इज द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म ऑफ टू हैप्रोइ एंड गैमेट्स ये टू हाइप्रोइ गैमेट्स का जिसमें सिंगल सेट ही है उनका प्रोटोप्लाज्म प्रोट फ्यूज़ हो जाएगा तो उसको कहेंगे प्लाज्मो केमी प्लाज्मो केमी कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स अब प्लाज्मा केमी है कितने टाइप की हो सकती है थ्री टाइप की हो सकती है आई एसो केमी एन एसो गेमी एंड ओ गमी हमारा ये जो टू हाइप्रोइ है गैमेट्स हैं ये टू जो गैमेट्स हैं ये बिल्कुल एक जैसे हों का साइज शेप सब एक जैसा हो तब इसको कहेंगे इस प्रोसेस को कहेंगे फिर आइस्यो इनकी फ्यूजन को कहेंगे आइसोकेमी आइसोकेमी फ्यूजन ऑफ एक्जैक्टली सेम गैमेट्स एनिसोगेमी में अगर एक साइज में छोटा एक साइज में बड़ा है या एक का शेप अलग है दूसरे तो का शेप अलग है बट डिसिमिलर गैमेट्स है जैसे नहीं है तब उनका फ्यूजन को कहेंगे फिर प्लाज् फ्यूजन ऑफ डिसिमिलर गैमिट्स ओ फ्यूजन ऑफ स्मॉल मोटाइल मेल गैमिट एंड लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गेमिट अब अगर अपन मेल फीमेल में डिफ्रेंशिएट कर दें उसको किस बेसिस पे एक तो जो गैमेट है वो बहुत स्मॉल है और दूसरा लार्ज है और एक मोटाइल यानी इसके अंदर फ्लैजला प्रेजेंट है और दूसरा नहीं है तो ये कैसे लगेंगे रिप्रेजेंट करेंगे जैसे नॉर्मल जो गैमेट्स होते हैं लाइक ह्यूमंस में या अदर ऑर्गेनिज्म में एनिमल्स में जो गैमेट्स होते हैं वैसे दिखेंगे फीमेल गैमेट और मेल गैमेट तब इस प्रोसेस को कहेंगे इनकी फ्यूजन को कहेंगे वो गेम प्लाज्मा गेमी रिजल्ट इन द प्रेजेंस ऑफ टू न्यूक्लियर इन अ सेल एज दे डू नॉट फ्यूज़ इमीजिएटली अब प्लाज्मोगेमी की बात क्या होता है इसका रिजल्ट क्या होता है प्लाज्मोगेमी का कि एक ही सेल के अंदर कितने न्यूक्लियर प्रेजेंट हो जाते हैं टू न्यूक्लियर आ जाते हैं क्योंकि वो इमीजिएटली फ्यूज़ नहीं होते जस्ट आफ्टर द प्लाज द प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोगेमी दे डू नॉट फ्यूज़ दिस सेल इज़ कॉल्ड डाइकेरियन अब जो सेल बने जिसमें एक ही सेल के अंदर टू न्यूक्लियर प्रेजेंट है हैप्लोइड न्यूक्लियर प्रेजेंट है उसको क्या कहेंगे सेल को डाइकेरियन एंड दिस स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ एंजाइज कॉल डाइकेरियोटिक स्टेज और इस स्टेज को क्या कहेंगे नाइफ साइकिल की डायकेरियोटिक स्टेज नाउकेरियोगेमी सेकेंड स्टेज इट इज द फ्यूजन ऑफ टू हाइप्रोड न्यूक्लियर अब जो डाइकेरियम उनके अंदर टू न्यूक्लियर प्रेजेंट थे उनका फ्यूजन हो जाएगा इसमें अगर बिफोर और आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडी अभी कब हो सकता है फ्रूटिंग बॉडी के फॉर्मेशन के पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लोइड जायकोट इससे क्या फॉर्म होगा डिप्लोइडकोड फॉर्म होगा जिसमें कितने सेट्स होंगे टू सेट्स होंगे तो सिर्फ फ्लाइफ साइकिल में जयकोट ही ऐसे स्टेज जो डिप्लोइड होती है अदरसाइजो भी स्टेज से कैसी होंगी हैप्लोइड होंगी फंजाई में थर्ड मियोसिस आफ्टर केडियोकाइनिस मियोसिस इन जयकोड टेक्स प्लेस अब जायकोड में क्या होगा मियोसिस होगा किसकी बात केसिस की बात दैट प्रोड्यूस हैप्लोइड स्पोर्स जिससे क्या प्रोड्यूस होंगी हैप्लोइड स्पोर्स म्यूसिस के प्रोसेस में हमेशा क्या हो जाता है सेट का नंबर हाफ हो जाता है टू सेट्स थे जाइकोट में तो स्पोर्स में कितने आएगा सिंगल सेट ही आएगा इसीलिए उसको क्या कहेंगे हैप्लोइड स्पोर दिस स्पोर्स जमिनेट टू प्रोड्यूस न्यू फंगल माइसीलियम अब ये क्या करेंगे जमिनेट हो जाएंगे और न्यू फंगल माइसीलियम को प्रोड्यूस कर देंगे अब ये लाइफ साइकिल है पूरा अब मान लो कोई माइसिलियम है मेन जो ऑर्गेनिज्म होता है जो फंजाई है वो क्या है माइसिलियम है अब ज़रूरी नहीं है हर टाइप की फंजाई में असेक्चुअल रिप्रोडक्शन भी मिले या सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी मिले हर फंजाई में असेक्शुअल रिप्रोडक्शन तो हो गई अब किसी किसी में क्या हो सकता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कंपल्शन नहीं है अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग तरह से होगा अब मान लो एक ऐसी स्पीशीज़ है जिसमें असेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी हो रहा है और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी हो रहा है तो उसका लाइफ साइकिल कैसा होगा फिर ऐसा होगा माइसिलियम है उसमें क्या बनेगी स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर स्पोरेंजियम अब ये बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते इसका भी कंपल्शन नहीं है भी प्रोड्यूस हो सकते हैं इसमें ये स्ट्रक्चर्स नहीं बनेंगे स्पोरेंशियो स्पोर्ट्स में ही ये स्ट्रक्चर बनेंगे कौन से स्ट्रक्चर नहीं ये स्पोरेंजिया जिसके अंदर स्पोर प्रोड्यूस होंगे तो ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता किसी लाइफ साइकिल में ये कंपल्शन नहीं इसके बाद स्पोर्स बनेंगे तो आक्चुअल तो प्रोडक्शन में जो स्पोर्स बनेंगे उनको क्या कहेंगे आज सेक्चुअल स्पोर्ट्स कॉनेडिया हो सकते हैं या फिर स्पोरेंजियो स्पोर्ट्स हो सकते हैं जनरेट कर जाएंगे दोबारा से माइसिलियम बन जाएगा ये भी कैसा होगा हैप्लोइड ये भी हैप्लोइड ये पूरा लाइफ साइकिल हैप्रोइड होगा <coughs> अब क्या हो रहा है सेक्शल प्रोडक्शन तो माइसीलियम है कि जो हाइफी हैं वो क्या बनाएंगे गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे गैमेट्स में फ्यूजन हो जाएगा प्लाज्मो के जिससे जो सेल प्रोड्यूस होगी वो होगी डाई उसके अंदर टू तो न्यूक्लिया होंगे हैप्लोइड हैप्लोइड इसके बाद केरियो होगा जिसमें न्यूक्लिया फ्यूज हो जाएंगे और डिप्लोइड न्यूक्लियार बनाए देंगे इससे जो सेल प्रोड्यूस होगी उसको कहेंगे जाइगोट जयकोड में फिर म्यूसिस होगा म्यूसिस से नंबर हो जाएगा हाफ स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे जो कैसे होंगी हैप्रोड इसको नोट कर लेना एन अब ये हेप्रॉइड स्पोर्ट्स जब नोट हो जाएंगे तो, तो माइसिकम क्या बनेगाइड इनको भी नोट कर लेना एन 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 सिर्फ डिप्लोइड कौन सी स्टेज है जयकोड स्टेज है यहाँ पर भी हे तो सेट्स दो तो, पर दोनों सेपरेटेड है तो ये लाइफ साइकिल है असेक्शुअल साइकिल एंड सेक्शुअल साइकिल ऐसे की स्पीशीज़ का जिसके अंदर दोनों ही टाइप की रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है नहीं तो ये तो हर में प्रेजेंट ही होगा असेक्शुअल बाकी सेक्शुअल किसी किसी स्पीशीज़ में प्रेजेंट हो सकता है